नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपनकु स्वागत। वर्तमान भारतर मोदी सरकार चेष्टा करुछन्ति कि इतिहास को बदलवा पई। इतिहास को बदलवा इन द सेंस आमे जो प्रकार ज्ञान आहरण करछु किंबा स्कूल ले पिला माने जो इतिहास बही पढ़ुछन्ति कि एक्चुअली अकबर केबे आसतिले, बाबर केबे आसतिले, किंबा आमे कहि परा धौली रे कि एक्चुअली बनैथिले, किंबा ताजमहल, ए सब कथा को आमे इतिहास पढ़ी कि एक्चुअली जानुछु। बट मोदी सरकार एया प्लान करुछन्ति इतिहास बहीरु ए सबु कथा उठे दिया जीवो कि आउ पिला ए जिनस पढ़ी पारिबे नहीं। आकु नहीं कि ऐतिहासिक माने किमा भारत रे जो विभिन्न प्रकार हिस्ट्रियन अछंती ए माने ए जिनस ऑलरेडी कहि सलेनी कि मोदी सरकार निजो गोड़ रे एक्चुअली कुराड़ी मारुचंती इतिहास बही कि चेंज करिकी। प्लस सेकेंड कथा ए जिनस कहउचंती कि जदि चेंज करिवार अछि सबु जिनस चेंज करा जाउ, केवल काही कि मुस्लिम रिलेटेड कथा को काही कि चेंज करा हउछि। तेनु बहुत गुडे बड़ इंपोर्टेंट मैटर बुझिया पई चेष्टा करिवा कि एक्चुअली भारत सरकार हिंदू राष्ट्र करिया पई इतिहास को चेंज करा हउची या फिर देशर अलग प्रकार डेवलपमेंट पई ए जो कथा को चेंज करा हउची। जदि आमे देखिबा ना भारतर इतिहास कथा कहिबा तो भारत सरकार कहउची कि आमर जो फ्यूचर किंवा स्टूडेंट जो उठे पढ़ुची भलो एक्चुअली करियर करिया पई किंवा भलो दुनिया को जानिया पई तार फ्यूचर भलो केमिति हबो सेइथि पई आमे इतिहास को किसी सब्जेक्ट को किसी चैप्टर को चेंज करुचु। बट मुस्लिम किसी कहते कि यही जिनस कहीं हिंदू कथार चेंज कराऊनी, केवल जो जगार कि जो चैप्टर रे जो सब्जेक्ट रे मुस्लिम रिलेटेड कथा अच्छी से ही जगटा को कहीं चेंज कराऊँ। आप देखिपे द हिंदू आर्टिकल CBSE ड्रॉप्स चैप्टर इन द इस्लामिक एम्पायर्स कोल्ड वार फ्रम द सिलेबस वर्सेस फेज अल्सो एक्सक्लूडेड। कथा कौन ना जी आम देखा पर्टिकुलर कौ कौ सब्जेक्ट आचुअली पिलाने इतिहास बहरे पढ़वे तो फास्ट आस मुगल एम्पायर। जदि मुगल एम्पायर कथा कहबा ना ताजमहल कथा कहवा लाल किला कथा कहवा तो एमाने कोठी ना कोठी मुगल शासक माने जहांगीर हो गले, शाहजहान हो गले, अकबर हो गले, एमाने सब बनैथिले। तो जदि आमे इतिहास बही न पढ़ी पारिबा फ्यूचर रे जदि पिला पचरा हबो कि ताजमहल किए बनैथिला किंबा लाल किला को किए बनैथिला तेणु आमे से जिनस को कही पारिबा नाही कि अकबर बनैथिले किंबा शाहजहान बनैथिले जे भी बनैथिला आमे से जिनस को कही पारिबा नाही। ए जिनस इतिहास बहु हटा हबो। सेकेंड जिनस हटा हबो कौन कोल्ड वार शीतल युद्ध जो अमेरिका रशिया भितर हेतिला से जिनस को भी इतिहास बहु हटा हबो। थर्ड जिनस हटा हबो नॉन एलायन मूवमेंट जोटा कि आमे कही पारिबा विश्वयुद्ध समय रे जे एक्चुअली अमेरिका पटरे रहिला सी हेला फर्स्ट वर्ल्ड, जे रहिला रशिया पटरे सी हेला सेकेंड वर्ल्ड, जे रहिला ना अमेरिका पटरे ना रशिया पटरे ताकु थर्ड वर्ल्ड कंट्री करा होतला। जोटा कि जवाहरलाल नेहरू जितले प्रधानमंत्री थिले सेतले भारत को सी एई कथा को लीड करूतिले। तो वर्तमान ए जो नॉन एलायन मूवमेंट किंबा तृतीय राष्ट्र तार किछि वैल्यू नाही मोदी गवर्नमेंट कहवा कथा से आम इतिहास से सिलेबस को किंवा से चैप्टर को हटे देवाई चाहूँ। सेकेंड कथा कहला ना फेज जो थे जड़े आम कहपर पाकिस्तान राइटर जड़े भल भल से गीत लिखी कविता लिखी CBSE पढ़ा जाऊँगी बर्तमान भारत में तो से चैप्टर को भी हटा हाब। सेकेंड कथा कह कथी एक्चुअली भारत सरकार ये जिनस कहूँ आम जो मुस्लिम रूलर कथ हटाऊ कि फेज कथ हटाऊ कि नन एलायनमेंट कथ हटाऊ ये अलका किसी माने विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक अच्छा जोटा कि इंपोर्टाट अच्छे भारत पर साउथ इंडिया विभिन्न प्रकार इतिहास अच्छी से जिनस को एक्चुअली सिलेबस भितर दिहनी तेणु आम चाहूँ तो साउथ इंडिया अलका नर्थ ईस्ट ये सब एरिया को इतिहास मध्य जना जाऊ पाने पढ़ु केवल नर्थ इंडिया कौन होता कि दिल्ली उपर किए राज करता केवल से जिन पढ़ाऊ। सेकेंड कथ हूँ भारत सरकार ये जिन कौन आम जो जिनस भी इतिहास को चेंज करा सेटा एक्चुअली पिलांकर भलपाई भारतर भलपाई एक्चुअली आम चेंज करूँ। भारतर गोटे पेट्रियोटिज्म बढ़ो। पेट्रियोटिज्म कौन ना लोकंर गोटे देश भक्ति भाया कथा आसो एमने एक्चुअली अधिक देश को भल पाइबे। जदि ये सिलेबस चेंज कथा कह इतिहास सिलेबस चेंज कथा कह केवल भारत नुहे किसी दिन पूर्व चाइना भी एक्जाक्टली से जिन करा अमेरिका भी डोनाल्ड ट्रम्प थी बेले से जिन करा कि हाँ इतिहास को आम कि जिन चेंज करवा कारण देशर पेट्रियोटिज्म बढ़ो कि देश भाव बढ़ो। बट सब बड़ कथा ये उठू निश्चित भाव राय तो आपंकर चाहिए कि जहाँ होतीतर एग्जाक्ट से जिनस को जाणी पिला दरकार या फिर आमे फ्यूचर भल हाँपाई ताकु चेंज वगैरह करके जिनस को जाणी दरकार आपण मतरे कौटा ठीक लगुच रियलीटी जिनस जाणी दरकार या फिर ताकु चेंजेस करम हिसाब से आम इतिहास को जाणी दरकार मतामत लिखुद। चैनल जी भल लगे इनफर्मेसन भल लगे चैनल को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ। रखुच नमस्कार।